गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ पंकज कानपुरी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास फोर्थ पोयम नोजेस फ्रॉम इंग्लिश मैरीगोल्ड बुक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई लुक्ड इन द मिरर एंड लुक्ड एट माय नोज। इट्स द फनीएस्ट थिंग द वे इट ग्रोस। स्टक राइट आउट वेयर ऑल ऑफ इट शोज विथ टू लिटिल होल्स वेयर द ब्रीदिंग गोस। ओके, सो in this poem there is a girl who always looks in the mirror and what she noticed that he has a funniest thing on her face, that is her nose. चेहरे के बीचों बीच स्टक की हुई है ना, मतलब ऐसे लगता है कि किसी ने उसकी नाक चिपका दी है। उसे अपनी नाक चिपकी हुई लगती है जो उसे बहुत फनी लगती है, और उसमें दो होल्स है जिससे वह सांस लेती है ना, मतलब ब्रीथिंग गोस, जो ऑक्सीजन वो इनहेल करती है और एक्सहेल करती है। आई लुक्ड इन द मिरर एंड सॉ इन देयर द एंड ऑफ माई चिन एंड द स्टार्ट ऑफ माई हेयर एंड बिटवीन देयर इजंट मच स्पेस टू स्पेयर विथ माई नोज लाइक अ हैंडल स्टिकिंग देयर। आगे वो क्या बोलती है कि जब भी वो मिरर में देखती है ना, तो मिरर में वो नोटिस करती कि जो उसका फोरहेड है, जहाँ से जो बाल उसके स्टार्ट हो रहे हैं, जहाँ से उसके बाल स्टार्ट होते हैं, वो जो उसकी चिन जो कि उसकी उसके फेस का एंड पॉइंट है, तो उसके बालों फोरहेड के बीच में और चिन के बीच में, ठीक है, एक अजीब सी चीज़ उसे चिपकी हुई लगती है। वो क्या है, उसकी नोज़ है, ठीक है, जो उसे एक हैंडल की तरह दिखाई देती है ना, और वो उसे काफ़ी फनी चीज़ समझती है। If ever you want to giggle and shout and can't think of what to do it about, just look in the mirror and then no doubt you will see how funny your nose stick out. अब वो क्या बोलती है कि जब भी आपका हंसने का मन करे या चिल्लाने का मन करे, और अगर ऐसी कोई भी चीज़ आपको नहीं मिल रही है जो आपको हंसा सके, है ना, या खुशी के मारे आप चिल्लाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, बस अपनी नाक को मिरर में देखना है। और इसमें कोई शक नहीं कि जब भी आप अपनी नाक को देखोगे या अपनी नोज़ को देखोगे, आप उसे सबसे फ़नी चीज़ पाओगे अपने फेस पे, है ना। आपको ऐसा लगेगा कि एक चीज़ जो हैंडल की तरह हमारे चेहरे पे चिपकी हुई है ना, और उसमें दो होल्स है जिससे हम सांस लेते हैं, है ना। तो कभी कभी आप नोटिस करना कि जब भी अपनी नाक को देखोगे मिरर में, और अगर आपको गुस्सा आता है कारण से, उस लड़की को अपनी नाक काफ़ी फनी चीज़ लगती है। तो वो सभी से, जितने भी जो लोग हैं, जो रीडर जो इस पोएम को पढ़ेंगे, वो उनसे भी यही कह रही है कि अगर आपको जब भी हंसने का मन करे, बस मिरर में अपनी नाक को देख लो, नोज़ को देख लो, तो आपको हंसी आने लग जाएगी, ठीक है। अब बेटा देखिए, यहाँ पर एक इस स्लाइड में देखिए, आपको न्यू वर्ड्स है इस पोएम से रिलेटेड, कुछ वर्ड्स है जैसे मिरर, फनीएस्ट, ब्रीथिंग, स्टिंगिंग, गीगल, ठीक है। तो इसके वर्ड मीनिंग हमें लिखना है। जैसे देखिए, मिरर का मीनिंग क्या है, जो अंडरलाइन जो किया हुआ है ना, आपको उतना ही पोर्शन आपकी फेयर कॉपी में लिखना है। तो मिरर का मतलब क्या होता है, अ ग्लास विच रिफ्लेक्ट्स अ क्लियर इमेज। मिरर का मतलब क्या होता है, एक ग्लास होता है जो आपकी इमेज को रिफ्लेक्ट करता है। फनीएस्ट मतलब कॉजिंग लाफ्टर, मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जिसको देख के आपको हंसी आए। ब्रीदिंग, टेकिंग इन एंड थ्रोइंग आउट ऑफ एयर। ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है, सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना। स्टिकिंग मतलब फिक्स्ड, मतलब चिपका हुआ। तो जो अंडरलाइन किया हुआ है ना, आपको उतना ही पोर्शन लिखना है। गीगल मतलब टू लाफ, गीगल मतलब हंसना। तो ये आपके वर्ड मीनिंग हो गए जो आपको फेयर कॉपी में लिखना है। अब देखिए, यहाँ पर रीडिंग इज़ फन और लेट्स टॉक दो सेक्शन है, तो इसमें क्वेश्चन आंसर दिए हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको विद आंसर्स आपकी फेयर कॉपी में लिखना है। तो ये क्वेश्चन आंसर आप देखिए इस स्लाइड में है। व्हाई डज द पोएट फील दैट द नोज इज़ अ फनी थिंग, है ना, पोएट को ऐसा क्यों लगता है कि नाक बहुत फनी चीज़ है। द नोज हैज़ टू लिटिल होल्स विच आर स्टक ऑन द फेस लाइक अ हैंडल। तो नोज क्या है, एक फनी चीज़ लगती है पोएट को, जो एक हैंडल जैसी दिखाई देती है ना। हैंस द पोएट फील्स दैट द नोज इज़ अ फनी थिंग, इसलिए पोएट को ऐसा लगता है कि नाक एक दरवाजे के हैंडल की जैसी दिखाई दे रही है, इसलिए वो बहुत फनी चीज़। नोज हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो हमें सांस लेने में काफ़ी हेल्पफुल होती है, ठीक है ना, बिना नोज के हम सांस नहीं ले सकते। डज द चाइल्ड इन द पोएम लाइक हर नोज, है ना,
वाई डू यू थिंक सो? क्या पोयम में चाइल्ड को अपनी नाक पसंद है? येस, द चाइल्ड इन द पोयम लाइक्स हर नोज. शी फाइंड्स इट टू बी द फनीएस्ट थिंग विच स्टिक्स आउट ऑन हर फेस लाइक अ हैंडल. हाँ, चाइल्ड को पोयम में अपनी नाक बहुत पसंद है क्योंकि उसे ये सबसे फनीएस्ट चीज़ लगती है जो एक हैंडल की जैसे उसके चेहरे पे चिपकी हुई है. अब ये वाला क्वेश्चन है ना, ये जो सी सी मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको ये फेयर कॉपी में लिखना है. डिस्क्राइब अ फ्यू फनी थिंग्स यू हैव सीन, डू दे मेक यू लाफ. तो आपको कुछ ऐसी फ़नी चीज़ लिखना है या उनके नाम लिखना है जिसको देख के आपको हंसी आती है. फनी थिंग्स दैट आई हैव सीन आर बेबी एलिफेंट्स प्लेइंग. जब हम छोटे हाथियों के बच्चों को खेलते हुए देखते हैं तो हमें हंसी आती है. पिग्स ग्रंटिंग, जो पिग्स के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना वो ग्रंटिंग एक अजीब सा साउंड निकालते हैं, है ना. तो ये सब चीज़ें देख के सुन के हमें हंसी आती है. आप और भी कुछ लिख सकते हो उसके अलावा. वॉट डज फीचर्स मीन्स, लुक अप इन द डिक्शनरी. वॉट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीचर्स ऑफ पीपल वी कम अक्रॉस इन द वर्ल्ड, डिस्कस. तो फीचर्स का मीनिंग आपको लिखना है. द वर्ड फीचर मीन्स डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल. तो फीचर का मतलब क्या होता है? लोगों के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, मतलब किसी का फेस अलग हो सकता है, किसी की बॉडी अलग हो सकती है ना. तो जैसे देखिए, वी फाइंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल विथ लॉन्ग फ्लैट फैट नोज. तो अगर हम किसी भी पर्सन को देखते हैं तो या तो उसकी नाक बहुत लंबी होती है या चपटी होती है, किसी की आंखें बड़ी होती है ना, बिग आईज राउंड फेस, किसी का चेहरा बिल्कुल गोल होता है, कर्ली हेयर, किसी के बाल घुंघराले होते हैं, किसी के बाल स्ट्रेट होते हैं, है ना. कोई पर्सन मोटे होते हैं, फैट पीपल. ठीक है, अब बेटा बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में. यहाँ से देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू वेरी मच.